नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। बाजपुर में जिलाधिकारी द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए बाजपुर सीओ आशीष भारद्वाज ने सख्त रुख अपनाया है। इस दौरान उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे व्यापारियों पर चालान की कार्यवाही की है। बाजपुर नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में व्यापारी कर्फ्यू का पालन करते दिखाई नहीं दे रहे, जिसके बाद कॉम्प्लेक्स में 2 पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। ये हमें सूचना मिली कि यहाँ पे जो मेन बाजार में कॉम्प्लेक्स जगह है, वहाँ पे कई सारी दुकानें खुली हुई हैं। तो हम जब उन दुकानों को उस क्षेत्र में पहुँचे तो काफ़ी सारी दुकानें खुली हुई थी, तो लोग दुकानों को छोड़ छोड़ के भागने लगे। तो जिन जिन दुकानों पे हमें ताले खुले हुए मिले, हमने उनकी शटरों को ऊपर उठाया, अंदर वो अपना दुकानदार बैठा हुआ था। तो हमने पहली वार्निंग देते हुए और साथ में उनका चालान किया कि अगली बार करेंगे तो उनके खिलाफ में हम जो DM एक्ट है और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर देंगे। तो उनका हमने चालान किया है, प्लस हमने क्या किया है कि एक होमगार्ड और एक हमारा जवान कांस्टेबल, उसकी हमने ड्यूटी लगा दी है वहाँ पे कि वो परमानेंट वहीं रहेगा। और उसकी जिम्मेदारी फिक्स कर दी है कि अगर ये दुकानें जो उसमें नहीं आती हैं, जिनको खुलना है, तो फिर उसके खिलाफ में हम कार्रवाई करेंगे। बाजपुर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे पर सहयोग के स्टेट कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र बसेरा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात नर्सिंग स्टाफ को पौधे देकर सम्मानित किया। इस दौरान धर्मेंद्र बसेरा ने कहा कि जिस तरह नर्सें लोगों को जीवन दान देती हैं, उसी प्रकार ये पौधे भी ऑक्सीजन देकर लोगों को जीवन देते हैं। नर्सिंग ऑफिसर गीता रावत के घर के 9 लोगों में से 7 लोगों को कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उन्हें भी कोरोना हो गया था। लेकिन कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ने के बाद वे दोबारा अस्पताल में लोगों की सेवा करने का काम कर रही हैं। जी, मेरा नाम ग्रेसी सिंह है। CHC बाजपुर में मैं स्टाफ नर्स हूँ और लास्ट ईयर जून में आउटसोर्सिंग से मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। और यहाँ पर ऐसा है कि मैंने प्रेगनेंसी में भी, मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने अपनी सेवाएं दी हैं और अभी 6 महीने का मेरा बच्चा है। लेकिन हमको यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम छोटे बच्चे के साथ हैं या फिर अपनी एक तरीके से हमको अपना पूरा जीवन इसमें, हमने अपना पूरा जीवन इसमें आने की सोचा है। जो हमने प्लेज ली है उसमें हमको आगे भी बढ़ना है कि हमको किसी चीज़ के लिए कोई भी पैंडेमिक हो जाए तो पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे बढ़कर उसका सामना करना है। तो इसी तरह से मैं सबसे कहना चाहूँगी, चाहे हमारे छोटे बच्चे भी हैं, अगर हम सेवाएँ दे रहे हैं तो उसमें अपने आप को प्रिकॉशन दें, ग्लव्स पहन के रखें। और आज हमारा इंटरनेशनल नर्सिंग डे है। फ्लोरेंस नाइटिंगल हमारी जो जन्मदात्री थी, उनके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। आज उनका जन्मदिवस है। उन्होंने नर्सिंग की नींव डाली थी और उन्हीं के जो कर्म थे उन्हीं के जो आगे उन्होंने सेवा को बढ़ाया। उस समय तो ऐसा नहीं था कि इसको कोई स्पेशल दर्जा दिया गया था, लेकिन बनते बनते बाद में हमें नर्सेस का वो दिया गया, फिलहाल हमें नर्सिंग ऑफिसर का वो दिया गया। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग सारी सेवा भाव हमने उन्हीं से सीखी और हम आगे दर पीढ़ी बढ़ता जा रहा है। देखिए, ये बहुत ही विपत्ति का टाइम पूरे विश्व में चल रहा है, लेकिन जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं और जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको मैं जो है प्राथमिकता तौर पर देखता हूँ, उन्होंने जिस हिम्मत से और जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर डॉक्टर मैम भी और अपने नर्स मैम भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी, और उन्होंने जिस हिम्मत से सबको, समाज को एक प्रेरणा दी है। अभी लोग मैं देखता हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में इंजेक्शन लगाने के लिए, कोविड लेने के लिए जो है मना कर रहे हैं, उन्हें के अंदर दहशत है। लेकिन जो हमारे वर्कर्स आगे कार्य कर रहे हैं, उनको हौसला बढ़ाने के लिए, उनके हिम्मत बढ़ाने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, समाज के हर लोगों को। बुधवार को ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोडियाला के पास बोलेरो के ऊपर भारी भरकम बोल्डर गिरने से घायल हुए चालक पूरन सिंह की जॉलीग्रांट अस्पताल में मौत हो गई है। एम्स ऋषिकेश में बेड न मिलने के बाद दोनों घायलों को जॉलीग्रांट अस्पताल भर्ती कराया गया था। आज 82 से आगे नौघर कोडियाला के पास एक बोलेरो वाहन जो श्रीनगर से ऋषिकेश की तरफ जा रहा था, उक्त वाहन लैंडस्लाइडिंग होने से एक बड़ा बोल्डर आ गिरा, जिससे 2 लोग दब गए। दोनों लोगों को स्थानीय लोगों की सहायता से मशीन को मंगाकर सुरक्षित निकाला गया और CHC ऋषिकेश भेजा गया।
जिला मुख्यालय नई टिहरी नगर पालिका के द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार नई टिहरी शहर में सैनिटाइजेशन का काम जारी है। नगर पालिका टिहरी के कर्मचारियों के द्वारा पालिका अध्यक्ष सीमा क्रिसाली के नेतृत्व में पूरे नई टिहरी शहर को, पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कुछ दिनों बाद पूरे शहर में सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो जाएगा। और सैनिटाइजर का जो कार्य है कोरोना महामारी में बहुत ही कारगर साबित हो रहा है, लेकिन शहर की जनसंख्या और शहर बहुत बड़े क्षेत्रफल में है, बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि हर घर को हम चाह रहे कि हर घर में सैनिटाइजर हो, लेकिन फिर भी हम एक 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 साइड से लगभग सभी लोगों को धीरे धीरे हर मोहल्ले हर वार्ड में पहुँच रहे हैं। लगभग आधा शहर हो चुका है और आधा बाकी है, 3-4 दिन के अंदर लगभग एक बारी में कम्प्लीट हो जाएगा। टिहरी जिला मुख्यालय में कांग्रेस नेता और एकता मंच के संयोजक आकाश क्रिशाली के द्वारा कोरोना काल में लोगों की मदद कर जरूरतमंदों को राशन वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना महामारी में उनकी पत्नी और कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों की मदद की जा रही है। हमारे एकता मंच के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं और मेरी धर्मपत्नी जी जनता के बीच हैं। हम अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं, किसी को राशन पहुंचाना है या किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है, ये जितने भी जो भी संसाधन हमसे हो पाते हैं हम लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर हैं, फ्रंट वाले जितने आप लोग मीडिया के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सबके सब अपनी जान हथेली में रखकर जनता की सेवा कर रहे हैं। इसमें जनप्रतिनिधियों को भी खुलकर सामने आ जाना चाहिए। दवा से बड़ा दुआ काम करती है, उत्साह हिम्मत बढ़ाने के काम को जनप्रतिनिधि करना चाहिए। आप लोगों को जनता के बीच आना चाहिए और जनता से भी अनुरोध है अपना हिम्मत बनाए रखें और आपस में जरूर सहयोग करें, एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएं। नैनीताल में देर शाम हुई तेज बारिश के बाद हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे में कैची धाम के पास सड़क में मलबा आने से हाईवे बंद हो गया। भारी मलबे और बोल्डर सड़क पर आने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। क्षेत्र में तेज बारिश के बाद अचानक पानी के साथ मलबा सड़क पर आ गया, जिसके कारण अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे कैची सहित कई जगहों में बंद है। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में सैंपलिंग जारी है। जिले में वर्तमान तक कुल 11,05,321 व्यक्तियों की कोरोना सैंपलिंग की गई है, जिसमें से कुल 5,638 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में अभी 1,312 एक्टिव केस हैं, 4,237 पॉजिटिव व्यक्तियों को स्वस्थ हो जाने पर डिस्चार्ज कर दिया गया है। बुधवार को जिले के विभिन्न केंद्रों में वैक्सीनेशन का काम भी जारी रहा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ डॉक्टर एससी पंत ने बताया कि पिथौरागढ़ में कोविड संक्रमणता को देखते हुए मेडिकल व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के तीसरे चरण की संक्रमणता में ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों में अधिक प्रभावी होगा। इसके मद्देनजर पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में स्थित नर्सिंग कॉलेज में 100 बेडों को स्थापित करते हुए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई हैं। पिथौरागढ़ जिले में कोविड की संक्रमणता को देखते हुए हमने और तैयारी करी है। कोविड थी की संक्रमणता को देखते हुए जिसमें ये कहा गया है कि बच्चों को संक्रमित ज़्यादा होगा, तो हमने नर्सिंग हॉस्टल में 100 बेडों की व्यवस्था कर ली है और उसमें स्टाफ लगा दिया गया है। तो किसी भी तरह की परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे आएंगे तो उनका कोविड में बिल्कुल पूरी तरह इलाज कराया जाएगा। नर्सिंग हॉस्टल में 100 बेड बिल्कुल हमने तैयार कर लिए। कोरोना काल में नियमों को ताक पर रखकर कोरोना के मरीजों का इलाज करने वाले एक निजी अस्पताल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में हरिद्वार सीएमओ की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था। गिरफ्तार आरोपी का मेडिकल कराकर उसे जेल भेज दिया गया है। सीओसीजी अभय प्रताप सिंह का कहना है कि ओजस अस्पताल की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके बाद जाँच की गयी और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 2-3 दिन पहले नूतन ओजस अस्पताल के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिली थी, उन शिकायतों की जांच सीएमओ साहब की टीम के द्वारा किया गया था। उन्हीं के द्वारा एक तारीफ दे करके थाने में मुकदमा लिखाया गया था। उसमें जो इसके एमडी है उनकी अरेस्टिंग हमारे द्वारा की गई है। देखिए, कोविड के दौरान बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसमें कि कुछ लोगों के द्वारा, वो चाहे फ्लो मीटर हो, पल्स ऑक्सीमीटर हो या अन्य जो गैस सिलेंडर वगैरह की कालाबाजारी के संबंध में, हरिद्वार पुलिस ने उसमें कार्रवाई भी की है। फर्दर भी कोई अगर शिकायत मिलेगी तो ऐसे तत्वों के विरुद्ध जो इस आपदा की घड़ी में इस तरीके से कालाबाजारी में संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बागेश्वर जिले में लागू कोविड कर्फ्यू का पालन पुलिस प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय के चौक चौराहों से लेकर जनपद के अन्य कस्बों में कड़ाई से कराया जा रहा है। कर्फ्यू का पालन कराने के लिए प्रत्येक तिराहे पर चेकिंग अभियान चलाकर चालान की कार्यवाही की जा रही है। कोतवाली पुलिस टीम द्वारा बागेश्वर शहर में 167 लोगों के चालान किए गए। वर्तमान में कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण नई गाइडलाइन जारी हुई है। आज से कर्फ्यू लगा है पूर्णकालीन, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक केवल सब्जी और आवश्यक सेवा दूध के लिए खोला गया है। इसके बाद लगातार सभी दुकानें व स्थान सब बंद किए गए हैं। इसको पालन कराने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जो कानून का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। लोग तो घूम रहे हैं, उनको हम चालान कर रहे हैं और उनको हिदायत दे रहे हैं कि यदि वो दोबारा दिखाई देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे भी पंजीकृत किए जा सकते हैं। संयुक्त चिकित्सालय में तैनात एकमात्र स्त्री रोग चिकित्सक डॉक्टर निधि पांडे कोरोना काल में दूसरे डॉक्टरों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। डॉक्टर निधि पांडे खुद संक्रमित होने के बाद भी घर से ही लगातार रामनगर की महिलाओं का दर्द समझ रही हैं। यही कारण है कि वे आइसोलेशन में रहकर भी घर से ही अपने ही जूनियर डॉक्टरों को दिशा निर्देश देकर गर्भवती महिलाओं को देखती हैं और उन्हें इलाज बताती हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर निधि ने घर से ही निर्देश देकर एक सफल डिलीवरी भी करवाई है। 10 दिन के स्वास्थ्य लाभ के बाद हालांकि मुझे कमजोरी काफ़ी थी, फिर भी मैंने अपनी कमजोरी को परकिनार करते हुए मैंने सोचा कि गर्भवती महिलाओं को मेरी आवश्यकता है और मुझे काम पर अवश्य जाना चाहिए और मैं आज उन यहाँ पर उपलब्ध हूँ और अपनी सेवाएं दे रही हूँ, ऑपरेशन भी कर रही हूँ, इमरजेंसी सर्विसेज सारी हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर पांडे के बारे में मैंने सुना है कि अच्छा उनका डायग्नोस भी है, अच्छा उनके व्यवहार भी है और काफ़ी मेहनत से काम भी कर रहे हैं और इस कोविड काल में अपने आप को भी आइसोलेट करने के बाद फिर भी उन्होंने काम किया तो अपने आप में सराहनीय कार्य। दूसरी बात, रामनगर में अस्पतालों में कई आवश्यकताएँ हैं जिन्हें पूरा होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को भी कि उन्होंने कुछ दिन पहले रामनगर में कुछ सुविधाओं की घोषणा की है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी ये सुविधाएँ लोगों को मिलेंगी और आमजन को उसका लाभ मिलेगा। रामनगर में कर्फ्यू के बावजूद 10 बजे के बाद लोग रामनगर में रोडों पर चहलकदमी करते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि ठेली वाले भी फल सब्जी इत्यादि बेचते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं दो पहिया वाहनों से भी लोग बेवजह बाहर घूमते नजर आए। पुलिस का कहना है कि किसी में कोई डर देखने को नहीं मिल रहा। रामनगर में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन की भीड़ से लोग बेवजह ही बाहर घूमते नजर आ रहे हैं। आधा दर्जन या एक दर्जन से ऊपर मौतें रोज हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ये जो सरकार ने जो 3-4 घंटे का हमें लॉकडाउन जो अभी जो समय दिया है बाज़ार का, तो सभी लोग लगभग उसी समय पर टूट पड़ रहे हैं इस बाज़ार में। और लोगों में जहां इतना डर पूरे देश में पूरे विश्व में है कोरोना के प्रति, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि कोई डर लोगों के बीच में है ऐसा, क्योंकि जब मार्केट में आ रहे हैं तो सब लोग एक साथ इस तरीके से लोग एक साथ आ रहे हैं कि मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। मिशन हौसला के तहत पौड़ी के थाना सतपुली में पुलिस कर्मियों ने चौकी दुगारखाल क्षेत्र के गांव में रह रहे बुजुर्ग असहाय और जरूरतमंद लोगों को 17 किटों को बांटा है। साथ ही साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क भी दिए गए। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल द्वारा आमजन से अपील करते हुए कहा कि मिशन हौसला मुहिम से लोगों को जुड़ना चाहिए जिससे कोरोना काल में समाज के ऐसे लोगों की मदद हो सके। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल सुशील, कांस्टेबल मदन, देशराज, प्रकाश, हर्षवर्धन और कुलदीप शामिल रहे। हमारे पुलिस मुख्यालय से चलाए जा रहे मिशन हौसला के तहत आज हमने अपने चौकी दुगारखाल क्षेत्र में जाकर कुछ बुजुर्ग और असहाय लोगों को 17 राशन की किटें दी हैं और जहां पे हमने गांव में ग्राम प्रधान के सहयोग से सभी लोगों को कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए मौके पे जागरूक भी किया है। देवप्रयाग में बादल फटने की घटना के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और पीड़ितों से बातचीत कर उनके हुए नुकसान की जानकारी ली। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा सरकार को जल्द देवप्रयाग के आपदा पीड़ितों को मुआवजा देने का काम करना चाहिए। और ये कल की जो घटना है देवप्रयाग में और दो गाँव और है जो नगर विधानसभा इनमें भी बादल फटने की घटना से ये क्षति हुई है।
ये तो आप समझ लीजिए लॉकडाउन था, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि जनहानि भी बहुत हो सकती थी, लेकिन ये तो बाबा केदार की बद्री विशाख की ऐसी कृपा रही कि जान माल की जो है कोई क्षति नहीं हो पाई, लेकिन जो नुकसान हुआ है ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पर जिन परिवारों की क्षति हुई है कम से कम 10-10 लाख का मुआवजा दें ताकि ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। पौड़ी के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगरंडे ने कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम और बचाव संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज रिपोर्ट में स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि अस्पताल में निर्माणाधीन 30 बेड के ICU कक्षों का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें। निरीक्षण में जितने भी ICU वार्ड का निर्माण कार्य हो रहा है 30 बेड का, उसको पाया है अभी उसमें और 15-20 दिन का समय लग सकता है, ऐसा वहाँ के जो साइट इंजीनियर से उन्होंने बताया है। साथ में जो लगातार यहाँ पे पेशेंट भर्ती हो रहे हैं उनके परिवारजनों को जानकारी देने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए मैंने निर्देश जारी कर दिया है। साथ में जो अधिक संख्या में पेशेंट्स लेट आ रहा है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना है, इसके लिए मेडिकल टीम जो है प्रत्येक वार्ड के लिए हमने नामित कर दिया है। वो भी टीम जो है प्रत्येक पेशेंट का मॉनिटरिंग डेली बेसिस पर करेंगे और उसको ट्रीट करने का जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है उसको सही है गलत है उसमें कुछ एडिशन करना है चेंजेस करना है तो उसके लिए निर्णय करने के लिए अधिकृत कर दिया है। जिस तरह कोरोना महामारी शहरों में अपना कहर बरपा रही है उसी तरह अब ये महामारी गांव में पांव पसार रही है, जिसके चलते रुद्रप्रयाग के धारकोट गांव के युवाओं द्वारा गांव के मुख्य स्थानों नलकूप दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजेशन का काम किया गया। केदारनाथ धाम में पिछले 4 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ धाम में 4 फीट तक की बर्फ जम चुकी है जिसके चलते अब ये बर्फ कपाट खुलने की तैयारियों में बाधा बन रही है। साथ ही साथ बर्फबारी से पुनर्निर्माण कार्यों में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। बता दें कि आगामी 17 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।